अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिदा शेख। आप सब कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी दुआओं से हम भी अच्छे हैं। आज मैं आपको भिंडी बनाना बता रही हूँ। तो यहाँ पर देखो, ये मैंने भिंडी ली हूँ, इसे मैंने ज़रा थोड़े बड़े पीस काटे हूँ, क्योंकि मसाले वाली भिंडी जो है ये, और इससे ज़रा ज़्यादा साइज़ में अगर आप बड़े लिए तो भी चलेगा, लेकिन मुझे इसी किस्म के मैं लेती हूँ। तो मैंने इसे अच्छी तरह धोकर काट कर इसे मैंने तवे पर ज़रा सा मैंने इसे भुनी हूँ, ताकि इसमें जो चिकनाई होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। नहीं तो फिर क्या होता है, पकने के बाद भिंडी जो है बुड़बुड़ी हो जाती है। पता नहीं आप क्या कहते हैं, लेकिन बुड़बुड़ी हो जाती है, इसलिए मैं उसे हमेशा तवे पर थोड़ा भूनती हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक बड़ा और एक छोटा, ऐसे मैंने दो कांदे काट कर रखी हूँ। ये मेरा तेल, यहाँ पर ये मैंने इमली का पानी, इमली भीगने रखी थी सुबह में और उसका पानी निकाल कर रखी हूँ। यहाँ पर ये मैंने लाल मसाला, हल्दी की पाउडर, धनिया की पाउडर, ज़ीरा पाउडर, और यहाँ पर ऊपर से काट कर डालने के लिए मैंने कोतम्बीर ली हूँ। अब यहाँ पर देखो, मैंने चूल्हे पर डेक्ची रखी हूँ, उसमें अब ये मैं मीठा तेल डालूँगी। तेल मेरा गरम हो चुका है, अब उसमें ये मैं प्याज डालूँगी। और प्याज को थोड़ा मैं लाल करूंगी, इसे लाल कर रही हूँ मैं। अब एकदम भी ज़्यादा भी लाल नहीं चाहिए। अब यहाँ पर देखो, मेरी प्याज ज़रा लाल हो गई है। उसमें अब मैं ये जो मैंने यहाँ पर जो मसाले निकाली थी, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर, और उसमें अब मैं थोड़ा सा गुड़ ऐड करूँगी, और ये सब चीज़ें जो है मैं उस प्याज में डाल रही हूँ। इसे मैं अच्छी तरह भूनूंगी। अब इसमें मैं वो जो इमली का पानी है वो डाल रही हूँ। नमक डाल रही हूँ। और अब इसमें मैं ये जो भिंडी है वो डाल रही हूँ। अब इसमें भिंडी को पहले मैंने भून चुकी थी, इसलिए अब इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। थोड़ा सा पानी डालूँगी। और इसे अब मैं कम आंच पर रख दूंगी। देखिए, अब मैं इसे ढाक कर कम आंच पर रख रही हूँ। अब उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। देखिए, अब मेरी भिंडी जो है यहाँ पर हो चुकी है। ये देखिए, गल चुकी है पूरी। अब इसमें मैं ऊपर से कोतम्बीर डालूंगी।
और मैं आप गैस बंद कर रही हूँ और इसे ढक कर रख दूँगी। अब यहाँ पर देखो, ये मैंने यहाँ पर चावल बनाई हूँ, ये यहाँ पर अक्की मसूर, भिंडी के साथ ज़रा अक्की मसूर अगर आएंगी तो भिंडी की तरकारी अच्छी लगती है। ये मैंने पड़ी जो मिर्ची होती है ना वो फ्राई करके रखी हूँ। यहाँ पर मैंने भिंडी बनाते वक्त मैंने इमली का पानी ली थी। कुछ लोग कोकम भी इस्तेमाल करते हैं, आप अगर इमली की जगह पर कोकम इस्तेमाल करेंगे तो भी चलेगा, दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने कोकम नहीं डाली क्योंकि मैंने यहाँ पर इमली का पानी डाली थी। तो मेरा ये वीडियो, मेरी ये रेसिपी, भिंडी की रेसिपी आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताना। इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करना, शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलना। शुक्रिया, थैंक यू।